दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है एग्जाम से रिलेटेड। वो डिसीजन क्या कहता है कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां पूरे देश के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं वो आए दिन इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पे पूरे देश के अंदर जो है वो केसेस 25 लाख क्रॉस कर गए हैं और जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 50,000 होने वाली है। और ऐसी स्थिति के अंदर एग्जाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, ये बहस पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक डिसीजन अपना दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ना तो कॉलेज के एग्जाम होंगे और ना ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे आने वाले आदेशों तक। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्जाम के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस पेंडिंग है एग्जाम से रिलेटेड कि पूरे देश के अंदर एग्जाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। 18 अगस्त यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में डिसीजन आएगा कि क्या पूरे देश के अंदर एग्जाम होने हैं या फिर नहीं होने हैं। अब यही देखना बाकी रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। हालांकि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये पूरी तैयारियां कर ली हैं एग्जाम के रिलेटेड, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्जाम के ऊपर रोक लगा दी गई है और सभी एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है आने वाले आदेशों तक। तो दोस्तों यही था आज के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।